गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी दोबारा से। दोबारा से नहीं, ये बनती रहती है। तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ पकौड़ी बेसन की। और ये देखिए, थोड़ी बना चुकी थी और थोड़ी मैं बना रही हूँ ये। और उसके बाद मैंने तेल इसमें से कम करके इसको वापस से सिम चौक दूंगी। और उसको मेथी से, मैंने मेथी दाने से चौका है क्योंकि कढ़ी ज़्यादातर मैं उससे बनाती हूँ। तो कढ़ी की रेसिपी मेरी है मेरे चैनल पर, तो ये मैं बना रही थी। तो मैंने कहा चलो यहीं से आज ब्लॉगिंग शुरू की जाए। और उसके बाद मैंने ये छाछ घोल ली थी बेसन के साथ, मतलब बेसन इसमें घोल लिया था अच्छे से। और ये देखिए मेरी कढ़ी, और बहुत ही मतलब जल्दी बन जाती, जल्दी नहीं सॉरी, बहुत ही देर में बनती है। तो उसके लिए मैंने बहुत जल्दी इसको बनने के लिए रख दिया था। और ये देखिए पकौड़ी कितनी सॉफ्ट बनी थी एकदम। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है बॉयल होने के बाद। अब मैं कढ़ी इसमें ये पकौड़ी डाल के इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। और ये पकौड़ी बेसन इतना ही था, मतलब तो मैंने इसी हिसाब से बनाई थी, हम दो लोगों के लिए इनफ है। और आज बच्चों, गाइस, तो आज अनाया और सीनू को चल रहा है वाटरमेलन। तो अब इन दोनों में होने जा रहा है चैलेंज और कौन जीतता है। तो 1 2 3, सीनू लगता है पहले खा लिया एक उठा के। चलो जल्दी खाओ फटाफट, तो कौन खाता यहाँ है पे सबसे पहले। बच्चों ने ये खाना स्टार्ट कर दिया था जल्दी जल्दी। और ये देखिए, और सीनू मतलब थोड़ा स्लो करके खा रहा था और टीवी भी चल रही थी उसको, उसमें ध्यान था। सीनू क्या होता है कि वो एक एक बीज निकाल के, मतलब उसमें नहीं जाना चाहिए। और अनाया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिख जाता है वो निकाल देती है, बाद में सब सही कर देती है। तो बहुत ही ज़्यादा अनाया देख रही थी कि अनाया सीनू क्या टीवी में थोड़ा सा हो जाता है, पर अनाया जब देख रही थी उसका बार बार मतलब फटाफट फटाफट उसका देख रही थी कितना बचा है, और फिर भी खा रही थी। और बच्चों के संग मतलब छोटी मोटी, ये मैंने पहला ही मतलब अपनी वीडियो में ये चैलेंज किया है और बच्चे काफ़ी अच्छे से खा रहे थे। सीनू को देखो, उसके अभी अनाया का ख़त्म होने को आया है, ज़्यादा नहीं है, और उसका भी पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा है। और उसको थोड़ी मतलब बीज अगर मुँह में आ जाए ना तो उसको अजीब सा लगता है, तो वो बोलता है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो लेकिन मैंने फिर भी कहा खाने के लिए। और ये देखिए दोनों लगे पड़े हैं, और दोनों मतलब ये आपस में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, मतलब खेलने के लिए भी है, वो भी साथ में ही खेलते हैं, तो अच्छा लगता है। दोनों को चैलेंज दे रही थी तो जल्दी जल्दी खा रहे थे, वरना बहुत टाइम लगाते हैं खाने में फिर, क्योंकि फिर उनको ट्यूशन वगैरह भी जाना होता है। तो उसके लिए तो गाइस, ये था सीनू और अनाया का वाटरमेलन चैलेंज, जो अनाया जीत गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जा रही है हैंड वॉश करने, जाओ हैंड वॉश करके आ जाओ। और सीनू अभी लास्ट अपना जो पीस बचा था वो भी खा रहा है। तो अब सीनू का भी फिनिश हो गया, अब चल रहे हैं दोनों। तो अभी मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैंने अब क्लीन कर दिया है, और ये है अनाया, आज की विनर, चैलेंज हुआ था। और मेरा मेरा सीनू, इसने पूरी कोशिश की थी बट उसके में शायद थोड़ा सा भैया हार गए, वो एक बचा था तो खा नहीं पाया। हाँ, और ये दोनों देख रहे हैं टीवी, ये आता रहता है मासा एंड द बेयर। और इसका बर्थडे है आज, आज मासा का बर्थडे है। और आज सुबह मैंने बनाई थी कढ़ी चावल और रोटी। हाँ। और आज बहुत ज़्यादा हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने नहीं, बच्चों ने नहीं, मतलब मैंने मार्केट की क्योंकि मुझे सामान लाना था, ख़त्म हो गया था, और राशन का भी ख़त्म हो गया था, और सब्जियों में राइस। तो सीनू और नया नया कंपटीशन मतलब मैंने करवाया था दोनों का आज, और वाटरमेलन वैसे सही बताओ ना, वैसे भी एक घंटे में खाते, बट कॉम्पिटिशन के चक्कर में उन्होंने फटाफट से फिनिश कर दिया है। और अब मैं आई थी बाहर, और ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, और ये खड़ी कर देते हैं यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, वैसे किसी ने बिछा दी है यहाँ पे। और किचन में मेरा थोड़ा सा मतलब सब्जियां लेके आई थी वो थोड़ी सी रखी है, बस मैंने बैग खाली करके निकाल के रख दिया था, और सब्जियां ऐसी पड़ी हैं तो उसको लगाना है। तो मैं आ गई हूँ अंदर, टाइम देखिए शायद आपको दिखे 5 o'clock, 10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया, किचन में है ये अंधेरा। तो ये देखिए अभी मुझे ये सब्जियां सब लगानी हैं। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था, जो था मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।